दोस्तों, आज कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें हमारे हाथों को साफ रखना बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि हम हमारे हाथों को कई जगह पर टच करते हैं, कई जगह पर अपने हाथों को लगाते हैं। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें दिन में 10 बार उठाना पड़ता है, ऑफिस में कहीं हम काम पे जाते हैं, वहाँ पर बाज़ार में जाना पड़ता है, तो हमें हमारे हाथों को साफ रखना बहुत ज़रूरी हो चुका है। और उसके लिए हम दोस्तों या तो हम साबुन और पानी से हाथ धोते हैं या फिर हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करते हैं। लेकिन जो हैंड सैनिटाइज़र हम उपयोग कर रहे हैं वो हैंड सैनिटाइज़र असली है या नकली है, इसका हमें पता नहीं है दोस्तों। कैसे पता लगाएं कि वो हैंड सैनिटाइज़र असली है या नकली है? तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मैं इस वीडियो में आज आपको यही बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से घर बैठे बड़ी ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका जो हैंड सैनिटाइज़र आप यूज़ कर रहे हैं वो असली है या नकली है। तो दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और अभी आप हैं मेरे चैनल द सुधीर जांगिड पर। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं आज हम सभी लोग, आप लोग भी यूज़ कर ही रहे होंगे, तो वो हैंड सैनिटाइज़र असली है या नकली, इसका पता लगाने के लिए मैं आज आपको केवल 3 एक छोटे छोटे उपाय बताने जा रहा हूँ जिनकी मदद से आप बड़ी आसानी से अपने हैंड सैनिटाइज़र का असली या नकली का पता लगा सकते हैं। तो बात कर लेंगे दोस्तों सबसे पहले उपाय की, तो ये है कि जो टॉयलेट पेपर हमारे घर में अवेलेबल होता है या कोई टिश्यू पेपर हमारे घर में अवेलेबल होता है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और उस पर पेन से इंक से एक सर्किल ड्रॉ कर दीजिए, एक छोटा सा गोला बना दीजिए, और वो गोला बनाने के बाद उस पर हैंड सैनिटाइज़र की 2-3 बूंद डालिए। अब अगर वो जो इंक से बनाया हुआ गोला है अगर वो फेल जाता है, ख़राब हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि जो हैंड सैनिटाइज़र आप लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो असली नहीं है। लेकिन अगर वो इंक से बनाया हुआ गोला एज इट इज़ सही है और हैंड सैनिटाइज़र की जो बूंद हमने उस पर डाली थी वो बूंद उस पेपर को गीला करके सूख जाती है और वो सर्किल इंक वाला ऐसा का ऐसा ही रहता है, वो बिगड़ता नहीं है, इसका मतलब आपका हैंड सैनिटाइज़र असली है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको दूसरा उपाय। दूसरा उपाय ये है कि आप एक बाउल लीजिए, छोटी सी कटोरी लीजिए और उसमें हैंड सैनिटाइज़र थोड़ा सा निकाल लीजिए। वो हैंड सैनिटाइज़र उस कटोरी में लेने के बाद में आप अपने घर में हेयर ड्रायर आजकल अभी सभी के घर में इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो हेयर ड्रायर लीजिए और हेयर ड्रायर से उस कटोरी में हैंड सैनिटाइज़र के ऊपर एयर ब्लो कीजिए। अब अगर 5 से 7 सेकंड के अंदर वो पूरा हैंड सैनिटाइज़र ख़त्म हो जाता है, बाउल एकदम सूख जाती है, वो कटोरी पूरी खाली हो जाती है हैंड सैनिटाइज़र से, तो इसका मतलब ये है कि वो हैंड सैनिटाइज़र असली है। लेकिन अगर अभी भी उस कटोरी में आपका हैंड सैनिटाइज़र बना हुआ है, अभी भी उसमें थोड़ा बच रहा है या है, तो इसका मतलब ये है कि आपका हैंड सैनिटाइज़र नकली है। और तीसरा और बहुत ही आसान उपाय दोस्तों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि एक छोटी सी कटोरी या प्लेट कुछ भी लीजिए, उसमें आपको घर में जो हम रोटी बनाते हैं आटा से, वो आटा लीजिए आप, उस आटे को उस हैंड सैनिटाइज़र की मदद से हैंड सैनिटाइज़र डाल के उसमें और उसको गूंथने की कोशिश कीजिए, जैसा कि हम खाना बनाते वक्त रोटी बनाते वक्त पानी डालकर आटे को गूंथते हैं। अब अगर वो आटा इजीली गूंथने में आ जाता है, जैसा कि पानी के साथ हम मिला करके गूंथते हैं, वैसे इजीली अगर गूंथने में आ जाता है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपका हैंड सैनिटाइज़र नकली है। लेकिन अगर आटा गूंथने में नहीं आ रहा है और वो अभी भी फैला फैला हुआ है, अगर आटा गूंथने में बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो हैंड सैनिटाइज़र बिल्कुल असली है। तो दोस्तों यही जानकारी थी आज की मेरी इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, साथ ही ये वीडियो छोड़ने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को ताकि आप लोग मेरे आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।